हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे कि प्रायर इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अभी हम इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट कंपनी ऑन 1st October 2019 टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ गोइंग कंसर्न एज फ्रॉम 1st April 2019। एक एक्स लिमिटेड है जिसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है कब, 1st October 2019 को। ठीक है, ये कब इनकॉर्पोरेटेड हुई, 1st October 2019 इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट। एंड टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ गोइंग कंसर्न फ्रॉम 1st April 2019, इसने किसी चलते हुए बिजनेस को क्या किया है, टेक ओवर किया है। और कब टेक ओवर किया है, 1st April 2019 को। तो ये है डेट ऑफ एक्विजिशन और ये है डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, 1st October 2019 इज द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड इट इज़ द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, द परचेज प्राइस ऑफ द बिजनेस फॉर सच एक्विजिशन वॉज फिक्स ऑन द बेसिस ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31st March 2019। ये जो परचेज कंसिडरेशन है वेंडर का, वो 31st March 2019 की जो बैलेंस शीट है उसके बेस पे डिसाइड किया गया। बट द एग्रीमेंट प्रोवाइडेड दैट द वेंडर वुड गेट 80% ऑफ द प्रॉफिट्स अर्न प्रायर टू 1st October 2019 एज अ कंपनसेशन। इसी के साथ में उनका जो एग्रीमेंट था वो ये भी था कि कंपनी को जो भी 1st October 2019 से पहले का प्रॉफिट होगा उसका 80% वेंडर को कंपनसेशन दिया जाएगा। ये उनका एक एग्रीमेंट था। द कंपनीज अकाउंट मेड अप टू 31st March 2020, कंपनी के जो अकाउंट्स हैं वो 31st March 2020 को बनाए गए। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 एज फॉलोस। जो आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है वो 31st March 2020 का है। तो आपको डेट एक बार थोड़ी सी कंफर्म करवा देते हैं, 1st April 2019 को बिजनेस का एक्विजिशन किया, फिर इस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कब हुआ, 1st October 2019 को। ठीक है, और 31st March के आपको P&L आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो एक बार ध्यान से हम एनालाइज करते हैं इस P&L को। देखिए, आपको दे क्या क्या रखा है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल दे रखी है 2,60,000, अदर इनकम कुछ भी नहीं है, टोटल रिवेन्यू आपको दे रखा है 2,60,000। फिर इसके बाद है एक्सपेंसेस में देखिए, एक्सपेंसेस में देखो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम दे रखा है 1,86,000 एंड चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ द फिनिश गुड, उसकी ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक 49,000 और चेंज इन इन्वेंट्री है 49,000। वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक 6,000 है तो माइनस का 6,000। ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में सैलरी एंड एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस दे रखे 18,300, डायरेक्टर फीस दे रखी है 1,800, डिबेंचर इंटरेस्ट 1,250, डेप्रिशिएशन 10,300 एंड मैन्युफैक्चरिंग वेजेस दे रखी है 48,500। मिसलेनियस एक्सपेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चर 18,600, कैरेज इनवार दे रखी है आपको 6,300, ऑफिस एक्सपेंसेस दे रखे हैं 2,750। ठीक है, इसके अलावा आगे देखिए, कंटिन्यू करते हैं, फिर आपको दे रखे हैं बैड डेट्स 2,300, कैरेज आउटवार्ड दे रखी है 1,600, कमीशन एंड डिस्काउंट दे रखा है 7,800 और टोटल एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं 2,50,500। इसके बाद नेट प्रॉफिट दे रखा है जो कि टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस से कैलकुलेट किया गया है। इसके अलावा देखिए, अदर इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा है, सेल्स मेड बाय द कंपनी आफ्टर 1st October 2019 ₹1,16,000। कंपनी ने 1st October 2019 के बाद में कितना सेल्स किया, 1,16,000, जबकि स्टेटमेंट ऑफ P&L में हमें पूरे ईयर की सेल्स दे रखी है। ठीक है, और 1st October के बाद की जो सेल्स है वो कितनी है, 1,16,000 एंड बैड डेट्स ₹1,100 वर रिटन ऑफ प्रायर टू 1st October 2019, जबकि जो बैड डेट्स है 1,100 के वो 1st October 2019 से पहले राइट ऑफ किए गए थे। ठीक है, प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिट अर्न प्रायर टू एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। आपको एक ऐसा स्टेटमेंट बनाना है जिसमें आपको प्रायर प्रॉफिट और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट शो किया हुआ हो।
स्टेट ऑल्सो द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट प्रायर टू 1 अक्टूबर 2019 पेबल टू द वेंडर. आपको वो भी अमाउंट बतानी है जो एग्रीमेंट में सेट की थी कि 1 अक्टूबर 2019 से पहले का जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 80% वेंडर को दिया जाएगा. तो ये वाली अमाउंट भी आपको शो करनी है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम इम्पोर्टेंट डेट के हिसाब से एक बार हमारा कंसेप्ट लिख देते हैं. देखिए 1 अप्रैल को ये है डेट ऑफ एक्विजिशन. ठीक है, 1 अप्रैल क्या है हमारी डेट ऑफ एक्विजिशन. फिर इसके बाद है 1 अक्टूबर, ये है हमारा इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट की डेट. ठीक है, और 31 मार्च के हमें अकाउंट दे रखे हैं. ठीक है, अकाउंट क्लोजिंग डेट, ये आपको पूरा डेट वाइज कंसेप्ट है. अब देखिए इस डेट को इनकॉर्पोरेशन हुआ है तो ये इससे वाला हो गया प्री वाला टाइम. ठीक है, और ये हो गया पोस्ट वाला टाइम. अब आपको अगर टाइम रेशियो कैलकुलेट करना है तो टाइम रेशियो आप कैसे कैलकुलेट करोगे. टाइम रेशियो प्री वाला टाइम पीरियड कितना है, प्री वाला 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर टाइम पीरियड कितना है 6 मंथ, तो हम प्री में लिखेंगे 6 मंथ. और पोस्ट का टाइम पीरियड कितना है, पोस्ट का भी 6 मंथ है, अक्टूबर टू 31 मार्च, तो ये 6:6 हो जाएगा, तो इसे हम 1:1 भी कह सकते हैं. ठीक है, फिर चलते हैं हम सेल्स रेशियो की तरफ. सेल्स रेशियो भी एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि हमें एक्सपेंसेस को टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो के बेस पे क्या करना पड़ेगा, अलोकेशन करना पड़ेगा. ठीक है, तो अभी हम प्री वाली सेल्स और पोस्ट वाली सेल्स का रेशियो निकालते हैं. देखिए हमारे क्वेश्चन में हमें पोस्ट वाली सेल्स दे रखी है आफ्टर 2000 अक्टूबर 2019 116,000. तो अभी हम यहाँ पे पोस्ट वाली लिख देते हैं 116,000. ठीक है, अब आप बोलोगे प्री में कितने हैं. देखिए आपको इसमें पूरे ईयर की सेल्स दे रखी है 2,60,000. अब 2,60,000 में से जब आप 116,000 माइनस करोगे तो आपको प्री वाली रिसीव हो जाएगी. तो प्री वाली सेल्स आपकी कितनी थी, 1,44,000. जब आप माइनस करोगे तो ये आएगा. फिर इन दोनों का आपको क्या निकालना है, रेशियो. सिंप्लीफिकेशन करते जाओगे तो आपका रेशियो आपको निकलेगा 36:29 4 की टेबल से. ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई हो गया. तो आपका ये जो टाइम रेशियो है वो ये है और सेल्स रेशियो ये है. ठीक है, तो अभी हम ये यूज़ करेंगे. अभी हमें क्या करना है, एक स्टेटमेंट शो करना है कुछ इस टाइप से. देखिए हमें कुछ ऐसा स्टेटमेंट बनाना है जो कि प्रायर प्रॉफिट और पोस्ट प्रॉफिट को डिफ्रेंशिएट कर सके. देखिए हमें वापस बनाना तो स्टेटमेंट ऑफ PNL ही है, उसी फॉर्मेट में आपको बनाना है. बस हमने इसमें कॉलम बना दिए हैं, इनकॉर्पोरेशन, प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन. ठीक है, और बीच में एक टोटल अमाउंट का और एक बेसिस ऑफ अलोकेशन का बना दिया है. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक एक करके सारी जो हमारा जो स्टेटमेंट ऑफ PNL है वो एज इट इज़ वापस बनाना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इट मीन्स सेल्स. ठीक है, अब देखिए टोटल अमाउंट थी हमारे सेल्स की 2,60,000 और हमें प्री इनकॉर्पोरेशन वाली और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन वाली पता है तो हमने अलग अलग लिख दी है जो हमें पता थी पहले से ही, और इनका रेशियो भी हमें पता है तो वो भी लिख लेते हैं 36:29. ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, टोटल सेल्स. और इसे ही हम क्या कह सकते हैं, टोटल रिवेन्यू भी कह सकते हैं क्योंकि इसके अलावा हमारे पास दूसरी कोई इनकम नहीं है, तो हम इसकी टोटल लगा के टोटल रिवेन्यू में भी इसको लिख सकते हैं. अब चलते हैं हम एक्सपेंसेस की तरफ. अब हमें एक एक करके एक्सपेंसेस को भी करना है डिस्ट्रीब्यूट. एक्सपेंसेस में देखिए सबसे पहले है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम. कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, अब इसकी जो टोटल अमाउंट है वो है 1,86,000. अब आपको ये कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रेडिंग से क्या रखती है, बिलोंग रखती है. अभी क्या कंपनी में हम ट्रेडिंग बना नहीं सकते, कंपनी का जो स्टेटमेंट ऑफ पेंडल है उसका फॉर्मेट अलग है. तो जो चीज़ें ट्रेडिंग से बिलोंग करती है जैसे परचेज हो गया, स्टॉक हो गए और कैरेज इनवर्ड वगैरह, सॉरी कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड, ये तो
उससे रिलेटेड है, सेल से, ये भी मतलब ट्रेडिंग से रिलेटेड मान सकते हैं आप इसको, इसको भी हम सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो जितने भी ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं उन्हें हम सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये भी ट्रेडिंग से रिलेटेड है तो इसे भी हम सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसका रेशियो में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगी 1,03,015 और यहाँ पे अमाउंट आएगी आपके 82,985। फिर नेक्स्ट देखिए है चेंज इन इन्वेंट्री, तो यहाँ पे हम लिखते हैं चेंज इन इन्वेंट्री, ये हमें दे रखा है 49,000 माइनस का, तो 49,000 हमने लिख दिया। अब क्योंकि इन्वेंट्री है तो सेल्स से रेशियो में डिवाइड होगी, सेल्स से मतलब ट्रेडिंग से रिलेटेड है, तो अभी हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस रेशियो में, तो ये आ जाएगा 27,138 और यहाँ पे आ जाएगा 21,862। फिर चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, तो यहाँ पे हम WIP लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्मेट में, और WIP की इन्वेंट्री है 6,000 माइनस की, इसे भी हम सेल्स रेशियो में 36:29 और जब डिवाइड करेंगे तो 3,323 और यहाँ पे आएगी 2,677। ठीक है, तो ये भी हमने सेल्स रेशियो में डिवाइड किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज जो कि है सैलरीज, सैलरीज एंड एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ये हमें दे रखे हैं 18,300। इसे हम टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे क्योंकि सैलरी जो है वो टाइम के बेसिस पे दी जाती है, तो हम इसे टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 9,150 और 9,150। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ, नेक्स्ट है डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर फीस। अब डायरेक्टर फीस जो है वो सिर्फ कंपनी में ही हो सकती है, और वो कितनी है देखिए 1800 है, वो सिर्फ किस में हो सकती है, कंपनी में ही हो सकती है, तो इसे हम क्लियरली क्या मानेंगे, पोस्ट। ठीक है, और इसे हम पोस्ट में लिख देंगे 1800। फिर चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ, नेक्स्ट है हमारे डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट भी कंपनी से ही रिलेटेड होता है, तो ये भी पोस्ट ही होगा। ठीक है, तो इसे भी हम पोस्ट ही करेंगे, तो इसको भी हम पोस्ट के अंदर लिख देते हैं 1250। फिर चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ, नेक्स्ट है हमारे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की अमाउंट देखिए कितनी है, ये है 10,300। अब देखिए डेप्रिसिएशन रिलेटेड होता है टाइम पीरियड से, तो हम इसे टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5,150। ठीक है, फिर चलते हम नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे है मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस हमें दे रखी है 48,500 मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। अब क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग से रिलेटेड है तो ये भी सेल्स रेशियो में डिवाइड होगी। ठीक है, तो 36:29 में, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 26,862, 21,638। ठीक है, फिर चलते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, तो ये भी मैन्युफैक्चर से रिलेटेड है, तो ये भी सेल्स से ट्रेडिंग से रिलेटेड हो गया, तो इसे भी हम सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 36:29। ठीक है, इसे हम डिवाइड करेंगे तो 10,302 और 8,298। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड भी रिलेटेड होती है ट्रेडिंग अकाउंट से, तो ये भी सेल्स के रेशियो में 6,300, 36:29। तो इसे आप जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 3,489,2811। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखिए, फिर है ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस हैं 2750 के, 2750। तो ये ऑफिस एक्सपेंसेस टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगर कुछ नहीं कंफर्म हो रहा है कि इसको क्या है, क्योंकि अभी ये P&L से रिलेटेड है तो इसे हम टाइम रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और इसका कंफर्म नहीं है तो आप उसे टाइम रेशियो में डिवाइड करो, ठीक है। तो इसे हम टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे 1375। फिर चलते हैं बैड डेट्स। वैसे तो बैड डेट्स क्या होते हैं, सेल से रिलेटेड होते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये टोटल 2300 थे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में बैड डेट्स की प्री और पोस्ट की इंफॉर्मेशन है, तो हम इसे एक्चुअली लिखेंगे, क्योंकि हमें दे रखा था प्री इनकॉर्पोरेशन कितने हैं, वो 1100 राइट ऑफ किए गए। तो इसमें से टोटल अमाउंट में से 1100 माइनस करोगे तो पोस्ट आ जाएंगे आपके, तो पोस्ट रहेंगे आपके 1200 के, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड भी रिलेटेड होता है सेल से, क्योंकि इनवर्ड होता है किससे, सेल परचेज से रिलेटेड, और आउटवर्ड होता है सेल से रिलेटेड। और परचेज और सेल्स दोनों ही ट्रेडिंग की चीज़ें हैं, तो दोनों ही सेल्स में जाती हैं, सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये अमाउंट है 1600 की, और ये 36:29 में डिस्ट्रीब्यूट होगी। और जब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 886 और 714, ठीक है। फिर चलते हैं हम कमीशन एंड डिस्काउंट। कमीशन एंड डिस्काउंट नेक्स्ट चीज़ है अपनी। तो ये है 7800 की। अब कमीशन और डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट किसको दे सकते हैं, डेटर्स को ही दे सकते हैं अपन, और कमीशन सेल्स एजेंट को, तो ये सेल्स से रिलेटेड होगा, इसलिए हम इसे सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए, इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 4320 और इसमें आ जाएगा 3480, क्लियर। फिर हम करते हैं, अब आगे और कोई टर्म्स है नहीं, तो अब हमें क्या करनी है, टोटल करनी है, ठीक है। टोटल एक्सपेंसेस, अभी हम एक्सपेंसेस की टोटल करेंगे, इन सारे एक्सपेंसेस की टोटल एक बार हम लगा लेंगे, इधर तो डैश लगा देना आपको। यहाँ की जो टोटल है वो तो वही थी जो हमारे उसमें P&L में थी, 2,50,500। यहाँ की टोटल हो जाएगी 1,35,188, ठीक है। और यहाँ की 1,15,312, ठीक है। तो ये आपकी टोटल हो जाएगी इसकी। अब आपको आगे देखिए क्या करना है, अब देखिए आपको कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट अभी हम यहाँ पे लिखते हैं, ये कैलकुलेट होगा टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो टोटल रिवेन्यू देखिए, हमारे ये टोटल रिवेन्यू थे, ये दोनों इसके और ये टोटल के हैं, ठीक है। टोटल रिवेन्यू में से हमें क्या माइनस करना है, ये टोटल एक्सपेंसेस। तो पहले इस कॉलम की लेस करेंगे तो आ जाएगा 9500, और इन वाले कॉलम की लेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8812 और 688, ये इनके आ जाएंगे प्रॉफिट। और यही प्रॉफिट हमारे क्या है, ये वाले तो हो गए प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, और ये हो गए पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, ठीक है। अभी हम अमाउंट पेड टू वेंडर निकाल देते हैं, अमाउंट पेड टू वेंडर ऑफ प्रायर प्रॉफिट। प्रायर प्रॉफिट का हम कितना परसेंट देंगे, 80% देंगे। तो अभी हम 8812 का 80% हम उन्हें दे देंगे। तो ये कितना आता है देखिए, इसको जब आप करोगे तो 7049.60 आ जाता है। तो आप इसको 50 भी कर सकते हो अप्रोक्स में, ठीक है, और करके आप लिख देना 7050, क्लियर। तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया है प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, ठीक है। इस तरीके से आपको इसे कैलकुलेट करना है, क्लियर, कुछ एक्सपेंसेस को डिवाइड करके। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।